बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की बात करें। यहां पर पहाड़ियों के बीच स्थित प्रसिद्ध मार्कंडेश्वर मंदिर इन दिनों गलत वजहों से सुर्खियों में है। इस पौराणिक मंदिर के बाहर लगा बोर्ड समाज को बांटने का काम करता हुआ नजर आ रहा है। बोर्ड में लिखे शब्दों के मुताबिक खास जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की मनाही है। क्या आप यकीन मान सकते हैं कि ये बोर्ड 21वीं सदी के किसी मंदिर के बाहर लगा हो सकता है? क्या आप मान सकते हैं कि आज के दौर में भी किसी विशेष जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की मनाही हो सकती है? ये भी समाज का एक आईना है। बिलासपुर के मार्कंडेय शिव मंदिर के बाहर लगे बोर्ड में लिखा है कि यहाँ विशेष जाति के लोगों के मंदिर में घुसने की मनाही है। इस बोर्ड से साफ है कि यहाँ जाति के नाम पर भेदभाव की प्रथा चली आ रही है। जी मीडिया ने जब मंदिर के पुजारी से इस बारे में पूछा तो उनका जवाब था कि ये बोर्ड सदियों से यहाँ लगा हुआ है और इसमें लिखे शब्द जाति सूचक नहीं कर्म सूचक है। जाति विशेष नहीं है, ये तो कर्मों से शूद्र है। जैसा कर्म करेगा शूद्र बनेगा, चाहे कोई पंडित है, चाहे कोई है, चाहे कोई भी राजपूत है, चाहे कोई भी जात वाला धर्म। लेकिन मंदिर के श्रद्धालु महंत की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। जो रोज इस मंदिर में आते हैं उन्हें भी यहाँ लिखी बातों से एतराज है। शब्द का ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो जो धर्मशाला है ये सार्वजनिक होते हैं, यहाँ सबको आने का, ठहरने का, रुकने का, बैठने का सबको अधिकार बराबर है। श्रद्धालु ही नहीं दूसरे मंदिरों के पुजारी भी बोर्ड में लिखे शब्दों को गलत मानते हैं। उनके मुताबिक मंदिर सभी के लिए बराबर है। हमारे नैनदेवी में हर धर्म का, हर जाति का आदमी अंदर माता जी के गृह प्रवेश में दर्शन कर सकता है और उसको किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा बाबा जी से भी कि वो इस तरह के बोर्ड आइंदा इस तरह ना लगाए। वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी इस बात पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। भारतवर्ष में छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं है और अगर बोर्ड ऐसा किसी भी मंदिर में लगा है जो किसी जाति विशेष को प्रवेश करने से रोकता है तो वो गलत है, गैर कानूनी है। स्थानीय प्रशासन को अवश्य कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है, इन संत महात्माओं को कानून तक का खौफ नहीं है। कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने भले ही जाति सूचक बोर्ड को मंदिर से बाहर हटा दिया लेकिन मंदिर के महंत ने कानून की परवाह किए बगैर उसे दोबारा मंदिर के बाहर लगा दिया है। मुकेश गौतम, जी मीडिया, बिलासपुर। संत बड़ा या कानून, ये इन दिनों बहस का विषय बना है। इस मंदिर के बाहर लगा बोर्ड पहली बार उस वक्त संज्ञान में आया जब 3 साल पहले एक श्रद्धालु ने हिमाचल न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। ये पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। तीन साल पहले ये मामला उस वक्त पहली बार प्रकाश में आया जब एक श्रद्धालु ने हिमाचल न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका पर संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को तुरंत बोर्ड हटाने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने जाति सूचक बोर्ड हटा दिए लेकिन मंदिर के महंत ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए अगले ही दिन दोबारा बोर्ड लगा दिया और इसके लिए अपनी ही दलील दे रहे हैं। ये मतलब पहले से प्रथा चली आई है, पहले से ही। इसमें कोई आपका बोलना है कि इसमें कोई जाति विशेष का नहीं है? कोई जाति विशेष नहीं है। मार्कंडेय मंदिर में समिति भी बनाई गई है लेकिन समिति के सदस्यों का कहना है कि इस विवाद से उनका कोई संबंध नहीं है। इस समिति का और इससे कुछ लेना देना नहीं है और ये जो है ये जो स्थान है उनका, सन्यासियों का, उन्होंने जो है वो लगाया हुआ है। बीच में प्रशासन इसको मिटा देता है और उसके बाद ना जाने कौन इसे फिर जो है वो लिख देता है। ये मंदिर सन्यासियों का मंदिर है, इनकी अपनी व्यवस्था है और जो भी यहाँ से किस वजह से किसी के लिए मना नहीं है। जिलाधीश बिलासपुर के आदेशों से मंदिर के महंत केबलपुरी, महंत दयाल चंद और मनोज कुमार नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ